Hi friend, this is Asif from Campus Law Center, Faculty of Law, University of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of insurance and banking law which is mentioned in our case mat. Case ka naam hai MSR Leathers versus S. Palaniappan. ये 2012 का केस है और ये जो केस है वो मुख्य रूप से डिसऑनर ऑफ चेक पे बेस्ड है। तो चलिए अब इस केस के फैक्ट इशू एंड जजमेंट पे आते हैं। इस केस में रिस्पोंडेंट कंपनी जो है वो अपीलेंट के फेवर में 4 चेक इशू करती है। तो अपीलेंट जो है वो चेक को ले जाकर के बैंक में सबमिट करता है। जब अपीलेंट चेक को बैंक में सबमिट करता है तो उसे इस बात की जानकारी होती है कि रिस्पोंडेंट कंपनी के बैंक अकाउंट में तो सफिशियंट अमाउंट ऑफ मनी है ही नहीं। तो इस ग्राउंड पे बैंक वाले जो है वो अपीलेंट के चेक को डिसऑनर कर देते हैं और उसके बाद अपीलेंट जो है वो बैंक से डिसऑनर ऑफ चेक का मेमो रिसीव कर लेता है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 138 क्लॉज बी के तहत डिमांड नोटिस जो है रिस्पोंडेंट कंपनी को सर्व करता है और कहता है कि आपका चेक जो है इनसफिशियंसी ऑफ फंड के ग्राउंड पे डिसऑनर हो गया है, तो आप 15 दिन के अंदर जो है मुझे किसी भी तरीके से पेमेंट कर दें। तो उसके जवाब में रिस्पोंडेंट कंपनी जो है वो एश्योर्ड करती है अपीलेंट को जल्दी ही जो है बैंक अकाउंट में जो है पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, आप थोड़ा सा वेट कर लें। तो उसके बाद जो है अपीलेंट लगभग 3 महीने तक वेट करता है और 3 महीने वेट करने के बाद वो फिर से बैंक अप्रोच करता है और बैंक में चेक को फिर से सबमिट करता है। जब अपीलेंट बैंक में चेक को फिर से सबमिट करता है तो उसे इस बात की जानकारी होती है कि अभी भी रिस्पोंडेंट कंपनी के बैंक अकाउंट में सफिशियंट अमाउंट ऑफ मनी है ही नहीं। इस ग्राउंड पे इनसफिशियंसी ऑफ फंड की वजह से उसका चेक जो है फिर से डिसऑनर हो जाता है। तो अपीलेंट जो है वो डिसऑनर ऑफ चेक का मेमो बैंक से रिसीव करता है और सेक्शन 138 क्लॉज बी ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के माध्यम से फिर से वो डिमांड नोटिस सर्व करता है रिस्पोंडेंट कंपनी को कि आप 15 दिन के अंदर जो है वो पैसे का अरेंजमेंट करके किसी भी तरीके से मेरा जो पैसा है मुझे वापस कीजिए। लेकिन रिस्पोंडेंट कंपनी के माध्यम से कोई भी पैसे की अरेंजमेंट नहीं की जाती है अपीलेंट के लिए। तो अपीलेंट जो है कोर्ट अप्रोच करता है। जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में रिस्पोंडेंट कंपनी का ये कंटेंशन होता है कि जब पहली बार चेक डिसऑनर हुआ तो उसी समय अपीलेंट को डिमांड नोटिस जो है 30 दिन के अंदर सर्व करनी चाहिए थी और डिमांड नोटिस के एक्सपायरी के 30 दिन के अंदर उसे कोर्ट अप्रोच करना चाहिए था निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के माध्यम से। लेकिन अपीलेंट ने ऐसा नहीं किया। अपीलेंट कोर्ट जो है 3 महीने के बाद अप्रोच किया जब दूसरी बार उसका चेक जो है डिसऑनर हुआ। इसलिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के माध्यम से जो लिमिटेशन पीरियड है 1 महीने का वो तो खत्म हो चुका है, इसलिए ये जो केस है वो मेंटेनेबल है ही नहीं। रिस्पोंडेंट कंपनी का आगे ये कंटेंशन होता है कि किसी भी केस में कॉज ऑफ एक्शन जो है वो एक ही बार अराइज होता है और प्रेजेंट केस में अगर देखा जाए तो जब पहली बार चेक डिसऑनर हुआ उसी समय कॉज ऑफ एक्शन जो है अराइज हो गया था, लेकिन अपीलेंट जो है वो कोर्ट अप्रोच नहीं किया। अपीलेंट जो है कोर्ट अप्रोच तब किया जब 3 महीने के बाद दूसरी बार चेक डिसऑनर हुआ और दूसरी बार जब चेक डिसऑनर हुआ उस वक्त कोई भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज ही नहीं हुआ है, इसलिए ये जो केस है वो मेंटेनेबल नहीं है कॉज ऑफ एक्शन के ग्राउंड पर भी। तो रिस्पोंडेंट कंपनी जो है वो अपने डिफेंस में 2 बातें कोर्ट ऑफ लॉ में रखती है। तो अब आते हैं कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और डिसीजन पे। कोर्ट कहती है कि अगर दूसरी बार चेक डिसऑनर होता है तो अपीलेंट को हम इस ग्राउंड पे कोर्ट आने से नहीं रोक सकते हैं कि पहली बार जब चेक डिसऑनर हुआ तो वो कोर्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि प्रेजेंट केस में अगर देखा जाए तो पहली बार जब चेक डिसऑनर हुआ था तो पहली बार में ही अपीलेंट ने डिमांड नोटिस जो है वो 30 दिन के अंदर सेंड कर दिया था और डिमांड नोटिस सेंड करने के बाद जो रिस्पोंडेंट कंपनी है उसने एश्योर किया था कि आपको आपका पैसा जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अपीलेंट की कोई भी गलती नहीं है, उसने सिर्फ रिस्पोंडेंट कंपनी की बातों पे भरोसा किया था। तो इस ग्राउंड पे जो है हम
अपीलेंट को कोर्ट आने से मना नहीं कर सकते हैं। कोर्ट आगे ये कहती है कि सेक्शन 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो है वो कंपेल करता है चेक इशू करने वाले को कि वो अपना पेमेंट करने का जो कमिटमेंट है ना उसे पूरा करे, और अगर चेक इशू करने वाले का चेक जो है बैंक में डिसऑनर हो जाता है या फिर वो पेमेंट करने से फेल हो जाता है जैसा कि प्रेजेंट केस में हुआ है, और उसे स्टेचुटरी नोटिस भी मिलती है यानी कि डिमांड नोटिस भी जो है अपलेंट जो है पहले डिसऑनर ऑफ चेक के 30 दिन के अंदर जो है सर्व कर दिया रहता है, तो इसके बावजूद भी अगर वो पेमेंट नहीं करता है या फिर बैंक में जो है सफिशियंट अमाउंट जो है नहीं रखता है तो इस ग्राउंड पे वो अपने आप को पैसे देने से नहीं बच सकता कि अपलेंट जो है वो हड़बड़ी में या फिर जल्दीबाजी में या फिर एक महीने के अंदर जो है कोर्ट अप्रोच क्यों नहीं किया। क्योंकि अगर आप सेक्शन 138 को सही से पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिसऑनर ऑफ चेक की बात की गई है, वहाँ पर फर्स्ट टाइम डिसऑनर ऑफ चेक या फिर सेकंड टाइम डिसऑनर ऑफ चेक की बात कहीं नहीं की गई है। इसका मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि डिसऑनर ऑफ चेक के 30 दिन के अंदर आपको एक डिमांड नोटिस भेजी जानी चाहिए और 30 दिन खत्म होने के एक महीने के अंदर जो है वो कोर्ट अप्रोच किया जाना चाहिए। तो सेकेंड टाइम में जो डिसऑनर ऑफ चेक हुआ तो सेकेंड टाइम में डिसऑनर ऑफ चेक के 30 दिन के अंदर जो है वो डिमांड नोटिस भी भेजी गई थी और कोर्ट भी जो है अपलेंट समय पे ही पहुंचा था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सेक्शन 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का जो भी रिक्वायरमेंट है वो अपलेंट फुलफिल कर रहा है। और जहां तक बात रही कॉज ऑफ एक्शन के अराइज होने की, तो रिस्पोंडेंट कंपनी का ये कंटेंशन होता है कि जब पहली बार चेक डिसऑनर हुआ उसी समय कॉज ऑफ एक्शन भी अराइज हो गया था, दूसरी बार जब चेक डिसऑनर हुआ तो वहां पे कोई भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज ही नहीं होता है। तो इसके जवाब में कोर्ट ये कहती है कि किसी भी जो चेक की वैलिडिटी होती है उस वैलिडिटी पीरियड के अंदर, यानी कि उस वक्त जब केस चल रहा था उस वक्त चेक की जो वैलिडिटी पीरियड थी वो 6 महीने की थी, तो 6 महीने के अंदर जो है पे यानी कि जिसे चेक मिला है वो जितनी बार बैंक जाएगा और चेक सबमिट करेगा और जितनी बार बैंक जो है उस चेक को डिसऑनर करेगी उतनी बार कॉज ऑफ एक्शन भी अराइज होगा। समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान चलिए कि पे यानी जिसे चेक मिला है वो पहली बार बैंक जाता है और चेक डिसऑनर हो जाता है तो पहली बार में ही कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है। मान चलिए कि अब वो 15 दिन वेट करता है और 15 दिन के बाद फिर से उस चेक को लेके जाता है और बैंक फिर से उस चेक को डिसऑनर कर देती है तो दूसरी बार भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा। इसी तरीके से अगर पे जो है वो और 10 दिन वेट करता है और 10 दिन के बाद फिर से वो बैंक अप्रोच करता है उसी चेक को ले जा करके और बैंक जो है फिर से उस चेक को डिसऑनर कर देती है तो तीसरी बार भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, यानी कि चेक के वैलिडिटी पीरियड के अंदर जितनी बार चेक डिसऑनर होगा बैंक के द्वारा उतनी बार जो है कॉज ऑफ एक्शन भी अराइज होगा। तो कोर्ट जो है रिस्पोंडेंट कंपनी के दोनों डिफेंस को जो है खारिज कर देती है और ये जो मामला है वो कोर्ट जो है अपना फैसला जो है अपीलेंट के फेवर में सुनाती है। तो इस केस के फैक्ट इशू एंड जजमेंट यही है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस केस का PDF चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मैसेज करके PDF अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।